टीकमगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत नरगुड़ा में मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर के दौरान खाद्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसी बीच एक ग्रामीण और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए शिविर में पहुंची और रोजगार सहायक और तत्कालिक सचिव पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह तकरीबन 2 से 3 साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान हो रहा है, जिसके एवज में सचिव और रोजगार सहायक द्वारा 5 से 10 हज़ार रुपये ले लिए गए हैं, लेकिन इसका राशन कार्ड आज तक नहीं बनाया गया और कहा कि हम लोग मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन सरकारी योजना का लाभ ऐसे भ्रष्टाधिकारियों चलते नहीं मिल पा रहा है। शिविर में काफ़ी देर तक वह दोनों पति पत्नी चिल्लाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारी ना बन सका की। क्या मामला है? हमें ये मामला है कि 2 साल से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट तो हम भर नहीं पा रहे। हम गल्ला कहाँ तक लेकर खिलाएंगे अपने बच्चों को? कुछ दिन तो हम भूखन भी रहे, प्यासन भी रहे, हम किसके दूर हैं जाए? और महाराज के यहाँ गल्ला ले जाओ तो कंट्रोल बिकती है, वहाँ कंट्रोल लेगा तो कंट्रोल पर नाज भी नहीं हमें दे रहा है। बोला तो मैं आदेश नहीं है सरकार से, हमें क्या मालूम है? भाई लोग बताएंगे क्या क्यों नहीं है आदेश? राशन कार्ड हमने को कागज दिए, इन्हीं लोगों को, जो लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे, इन्हीं लोगों को हमने कागज दिए, कम से कम 4 दफे कागज दिए हमने, आवेदन दिया है, हैं? और संग पैसे भी दिए हमने जितना जो बोला हमने उतने की दिए। ये 5 हज़ार बोल रहा है, 5 ही हज़ार दिए इन लोगों को कार्ड के माध्यम में। जो लोग बोलते थे सुना तो हम खुद कहेंगे, ये लोग बोलते थे कि हम तुम्हारा कागज बना के तुम्हारे घर भेज देंगे, तो आरोप सही है? सही है, हम सच बोला, ये लोग झूठ। बद्री वंश कार्ड है नारगड़ा के, नारगड़ा पंचायत के। आपकी क्या मामला है? पैसों के लिए कैसा मामला? पैसा के 10,000 रुपया मैंने दिए अरविंद ठाकुर को, बड़ा गाँव वाले। कौन है ये अरविंद ठाकुर? वे खड़े हैं सामने। है कौन? क्या पद है कोई इनके पास? ये रोजगार गारंटी वाले हैं। अच्छा। तो उनने लिए हमसे 10,000 रुपया, नायगड़ा पंचायत में है, उनने 10,000 रुपये लिए, कार्ड बन के आ जाएगा तेरा गरीबी दिखा का। रत्ती हमसे कट्टी बोलो 5,000 हम खुद, हम तेरा कार्ड घर दे देंगे। 5,000 उन लिए, अब ये कार्ड अभी तक नहीं आया मेरा। इन लोगों ने गल्ला भी बंद कर दिया मेरा 2 साल से। कब दिया था? हमने 2 साल पहले से दे चुके हैं। 2 साल पहले पैसा इनके लोगों के पास पहुंच गया हमारे। हम मजदूर आदमी, हम क्या करेंगे? गल्ला मोल खा खा के मर जाएंगे क्या? कि कमी वो कमा कमा के अपने बाल बच्चे पाल रहे, क्या कर देंगे? बोलो शिकायत 3 दिन आवेदन लगा दो, फिर भी बोल आवेदन लगाओ आवेदन लगाओ। आवेदन का मतलब 3 दफे हमने लगा दिया। अरे बोल रहे बाबू जी, लोग बोल रहे आवेदन फिर लगाओ। अब अभी बोल रहे थे कते 2 दफे हो चुका जी कार्ड। हम 2 साल से परेशान हैं, लॉकडाउन से परेशान हैं। हरविंद सिंह परिहार, कहाँ पर रहते हैं? ग्राम पंचायत नारगुड़ा, ग्राम रोजगार सहायक। ये आपके ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ने आपने 10,000 का आरोप लगाया? तो इस पर 2 साल पहले 31 अगस्त 2020 से 1 फरवरी 2021 तक हम जनपद कार्यालय में अटैच थे उस समय। अब आरोप लगाने का हमें नहीं है पता, आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। जब उस समय हम जनपद कार्यालय में अटैच थे, हम इस पंचायती में नहीं थे। तो क्या लगता है झूठा मामला? अब झूठा मामला है, जब हम जनपद कार्यालय में थे, हमारे आप आदेश दे सकते हैं हम आपको, तो 2 साल पहले का वो नहीं रुकेगा। ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शासन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम पब्लिक को या आम जनता को जो जिस मद में या जिस विभाग से संबंधित, योजनाओं से संबंधित पात्र है, वो अभी छूटा है, वंचित है, वो अपने अपने आवेदन देकर वहीं स्थानीय, ताकि उसको इधर उधर ऑफिसों के चक्कर न लगाना पड़े, भटकना न पड़े, और उनका निराकरण यहाँ से जो आवेदन कलेक्ट होंगे पंचायत के पोर्टल पर अपलोड होंगे, और जो जिस विभाग के होंगे उनकी छटनी करके उन विभागों में भेज दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिछला शिविर हुआ था सितंबर में, वो उसके निराकरण आज दिनांक तक हो गए हैं। यहाँ पे अभी
गत समय में 76 आवेदन आए थे और जिनमें लगभग 75 आवेदनों का निराकरण हो चुका है। सर भी देखा जा रहा है कि आपके कर्मचारी के पास पैसे लेने का मामला सामने आ रहा है, क्या है ये? चूंकि वो पिछली बार भी इस तरह से बात कर रहा था और ये हम लोगों के विषय में नहीं है, चूंकि हम यहाँ के स्थानीय नहीं हैं, हम लोग यहाँ सेक्टर अधिकारी के रूप में हैं और ये मसला कब लिया वो 2 साल पहले का बता रहा है, किसको दिया ये, कहीं उसकी पत्नी बता रही है कि हमसे इतने 3 लिए, कहीं वो कह रहा है 5, मतलब ये हम लोगों का विषय नहीं है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उसे पिछली बार भी कहा था कि जो तुम्हारी मांग है जायज है वो आवेदन दे दो, आज भी कहा है उससे कि BPL का उसने आवेदन दिया था, वो यहाँ से चला गया था, भिजवा दिया, आज वो उससे बोले हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, उसके लिए भी हमने कहा कि आप आवेदन दे दो, लेकिन बोले अब हम आवेदन नहीं देंगे, तो अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये संबंधित विभाग का मसला है, इसलिए हम लोग तो केवल आज आए हैं, नोडल हैं, सेक्टर हैं, तो बाकी ये उसका जो विषय है वो अपनी बात ऊपर रखे या जांच का विषय है। मैंने क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम है। कहाँ पर रहते हैं? नारगोड़ा की तरफ। किस पद पर? सचिव जी। पैसों के लेन देन का मामला सामने आया क्या? पैसा मैंने इसके फॉर्म भर के और अपने दस्तखत करके इसी को दे दिया था, और आज 1 साल पहले, और ना मैंने कुछ पैसा लिया है इससे, ना मुझे कोई बात थी। कैसे आरोप लगा रहा फिर आप? वो झूठा आरोप लगा रहा भरी पंचायत में। हाँ, भरी पंचायत में झूठा आरोप लगा रहा है। मैं राशन BPL में मैं नाम जोड़ता नहीं है, तहसील से जुड़ता है नाम, मेरे पास आ जाता है तो मैं राशन मित्र पर डाल देता हूँ। एक व्यक्ति और लगा था जिस 500 रुपये आपने तहसील में दिलाए थे, वो क्या मामला है? मैंने किसी को नहीं दिलाया, ना मैं किसी के साथ गया हूँ। तो ये जो घोषणा जो 10,000 का आरोप है वो गलत है, मतलब वो गलत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।